वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। दिस वीडियो ऑफ सब्जेक्ट SST यूनिट 3 सिविक्स, ओके, पेज नंबर 136। द डाउरी सिस्टम इज अनदर सीरियस सोशल इवेंट लीडिंग टू सुसाइड एंड ब्राइड बर्निंग। इफ बॉय एंड गर्ल आर इक्वल बिफोर लॉ, देन व्हाई इज द फैमिली ऑफ द ब्राइड आस्क्ड टू पे डाउरी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड काइंड। यहाँ कह रहे हैं डाउरी सिस्टम इज एंड द सीरियस सोशल इविल है ना, लीडिंग टू सुसाइड एंड ब्राइड बर्निंग और सुसाइड के साथ साथ डाउरी सिस्टम भी जो है वो बहुत ही सीरियस इविल है हमारे सोसाइटी में। इफ बॉय एंड गर्ल आर इक्वल बिफोर लॉ, अगर बॉय एंड गर्ल इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ, देन वाई इज़ द फैमिली ऑफ ब्राइड आस्क्ड टू पे डाउरी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड काइंड। तो क्यों ब्राइड के फैमिली से कैश एंड काइंड मतलब कैश डाउरी क्यों मांगते हैं। ऑल्दो पेइंग एंड एक्सेप्टिंग डाउरी हैज़ बीन इलीगल इन इंडिया, जबकि इंडिया में ये इलीगल माना गया है कि डाउरी सिस्टम जो है अगर कोई लेता है या लेता है तो दोनों इलीगल है। फॉर मोर देन 40 ईयर्स द अप्रेसिव कस्टम स्टिल परसिस्ट। ऑफिशियल एस्टिमेट शोज़ दैट एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7,000 वुमेन आर किल्ड बाई देयर स्पाउसेस एंड इन लॉस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट डाउरी पेमेंट्स। तो माना जा रहा है कि लगभग 7,000 वुमेन जो है पर ईयर डाइड हो जाती है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द डाउरी, है ना। इन दिस रिगार्ड द केस ऑफ निशा शर्मा, ईयर 2003 में निशा शर्मा का एक केस आया। ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज वर्थ मेंशन, निशा कॉल्ड ऑफ हर मैरिज एंड द 11th आवर व्हेन द ब्राइड ग्रूम एंड हिज फैमिली मेट लास्ट मिनट एन एक्स्ट्रा वैलेंट डिमांड फॉर डाउरी। सी नॉट ओनली कैंसल्ड द मैरिज बट इवन कॉल द पुलिस एंड हैड द ब्राइड ग्रूम अरेस्टेड। तो निशा शर्मा की बात है ना। तो उसने क्या किया कि लास्ट मिनट में क्या हुआ कि शादी के समय उन्होंने डाउरी की और ज़्यादा डिमांड करने लगे, तो उन्होंने तुरंत अपनी कैंसिल कर दी शादी और उन्होंने पुलिस बुला ली है और ब्राइड ग्रूम को अरेस्ट करवा दिया दूल्हे को। दिस सोच डैट वी नीड स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लॉ टू कर्ब दिस एंटी सोशल प्रैक्टिस, है ना। तो इस तरीके से हमको भी सामने प्रेजेंट लाना चाहिए विच परपेट्स द मिथ ऑफ मेल सुप्रीमेसी। ऑल दिस एंड मेनी अदर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम कलेक्टिवली आस्क फॉर ए रूल ऑफ लॉ पिवोटिंग अराउंड इक्वलिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लॉ के तहत हैं। लॉ इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आके लॉ बन के सबको इक्वलिटी में ला दें। द बेसिक वैल्यू एनशील्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक वैल्यूज। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेरिश द बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टेक्निकली द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन। तो प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन है, जैसे बुक होता है कि प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो इंट्रोडक्शन है। जैसे हमारी बुक का इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का जो इंट्रोडक्शन है उस पेज को हम लोग प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। ए प्रीड्यूल विच हाईलाइट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द बेडरॉक ऑन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड। द स्टीरिंग वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेक द फॉलोइंग डिक्लेरेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने अपने प्रीएम्बल में क्या डिक्लेयर किया है पीपल के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये डिक्लेयर किया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड व्हाट्सएप। तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी दी गई है थॉट की भी, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, है ना। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी दी गई है स्टेटस की भी और अपॉर्चुनिटी की भी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी पे यहाँ पर क्या किया गया है, प्रेशर दिया गया है, यहाँ पर फोर्स दिया गया है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें
फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी है, यूनिटी है ना, इक्वलिटी है, सोशलिस्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहे 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये जो है अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। उस दिन से हमारे कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉ वैल्यूज डेट मोटिवेट एंड डायरेक्टेड द फ्रीडम मूवमेंट एंड वेयर इन टर्न नेचर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द लॉ मेकर्स एंड गिव्स डायरेक्शन टू द पॉलिसी मेकर्स। इट लेज डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द नेशन। इट ऑल्सो पुट्स लिमिट्स टू द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाई प्रोवाइडिंग सम फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। तो बता रहा है वैल्यूज डेट मोटिवेट एंड डायरेक्टेड द फ्रीडम मूवमेंट एंड वेयर इन टर्न बाई इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियंस डेमोक्रेसी। तो इंडिया में क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है फॉर्म ऑफ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द लॉ मेकर्स। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क लॉ मेकर्स के लिए एंड गिव डायरेक्शन टू द पॉलिसी मेकर्स, और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर को। इट लेज डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गिव, एक पूरा प्रोसीजर देता है कि वो राइट पर्सन को चूज कर सके फॉर गाइडिंग द नेशन। इट ऑल्सो पुट्स लिमिट टू द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये क्या करता है, लिमिट करता है पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को भी बाई गिविंग सम फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन डेट कैन नॉट बी वायलेट, जो कि वायलेट नहीं किया जा सकता। देर आर सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर एम्बॉयडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हो पाई है। दीज आर एज फॉलोस। तो ये सिक्स क्या कौन से हैं वो हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन सिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।